हे गाइस, वेलकम टू अभिनी ऑटो व्लॉग्स। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ कार्स रिलेटेड न्यूज, रिव्यूज एंड वॉक अराउंड वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं टोयोटा मोटर्स की तरफ से सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर के बारे में, जिसका नाम है अर्बन क्रूजर। बेसिकली जो अर्बन क्रूजर है वो रिबैच वर्जन है विटारा ब्रेजा का। आज इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर, इसके फीचर्स, इसके कलर ऑप्शंस और इंजन ऑप्शंस। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो आपको काफ़ी डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली मैं आप लोगों के साथ कार्स रिलेटेड न्यूज, रिव्यूज एंड वॉक अराउंड वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्बन क्रूजर है क्या। अर्बन क्रूजर रिबैच वर्जन है मारुति की विटारा ब्रेजा का। सेम ये वही कंसेप्ट है जो हमने बलेनो और ग्लैंजा के साथ देखा था, जो कि एक हैचबैक था। ये टोयोटा और मारुति का एक सेकंड प्रोडक्ट रहने वाला है उनकी जॉइंट वेंचर का। सो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपडेट किए गए हैं एज कम्पेयर टू बलेनो एंड ग्लैंजा। ग्लैंजा और बलेनो के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए थे, सिर्फ लोगोस का चेंज किया गया था, बाकी ओवरऑल कार पूरी सेम थी। बट इसके अंदर कुछ माइन्यूट चेंजेस किए गए हैं जिससे इस कार को थोड़ा एक और भी ज़्यादा एग्रेसिव लुक और एसयूवी लुक यहाँ पर टोयोटा मोटर्स ने देने की कोशिश की है। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर के अंदर आपको इसकी शीट, मेटल और पार्ट्स के अंदर कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सब कुछ कैरी फॉरवर्ड किया गया है विटारा ब्रेजा से अर्बन क्रूजर के लिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी के अंदर भी कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो विटारा ब्रेजा ने 4 स्टार रेटिंग स्कोर की थी ग्लोबल एनकैप के अंदर, वही सेम अर्बन क्रूजर के अंदर भी मिलने वाली है। रीज़न बीइंग कि इसके अंदर कोई भी इसके शीट, मेटल, पार्ट्स के अंदर चेंजेस नहीं किए गए हैं। टोयोटा ने जो यहाँ पर चेंजेस किए हैं वो इसके लुक्स के अंदर किए हैं। फ्रंट अगर आप ग्रिल देखते हैं तो वो आपको ब्रेजा से अलग देखने के लिए मिलती है। फॉर्च्यूनर लाइक आपको यहाँ पर ग्रिल मिलती है, जो कि एक काफ़ी बोल्ड है। और 2 स्लैट यहाँ पर आपको ग्रिल मिलती है, जो एक और भी ज़्यादा मस्कुलर और एक एसयूवी लुक यहाँ पर इस कार को दे रही है। अर्बन क्रूजर के अंदर आपको इसके ग्रिल के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि टोयोटा ने इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो अपनी सेम टोयोटा डिज़ाइन लैंग्वेज वाली ग्रिल यहाँ पर फॉरवर्ड की है। आप देख सकते हैं कि फॉर्च्यूनर जैसी आपको ग्रिल मिलती है, जो कि काफ़ी बोल्ड है, जो इस कार को एक 2 स्लैट ग्रिल दे रही है और स्पोर्टियर और एक मस्कुलर लुक यहाँ पर इस कार को दे देती है। अगर मैं ब्रेजा से कंपेयर करूँ तो इसके अंदर, अर्बन क्रूजर के अंदर आपको ज़्यादा अच्छी लुक मिलेगी अगर आपको कार स्पोर्टियर लुक वाली ज़्यादा पसंद आती है तो। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके हेडलाइट्स की, तो वही सेम आपको LED हेडलाइट्स मिलती हैं, जो कि प्रोजेक्टर वाली हैं, डुअल बैरल के अंदर मिलती हैं। और बाई बीम का आपको इसके अंदर सेटअप मिलता है, जो कि DRL है, बाई बीम वाली मिलती है, जिसके अंदर आपको इंडिकेटर्स का भी वर्क करती हैं और डे टाइम में वो आपको DRL वाला यहाँ पर लुक देती है। वहीं अगर आप अंडरनीथ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्क्वायर शेप के अंदर इसके LED फॉग लैंप्स मिलते हैं, जिसके सराउंड्स में आपको क्रोम वर्क भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कार को एक और भी ज़्यादा अपीयरेंस लुक यहाँ पर दे देता है। वहीं अंडरनीथ आपको ग्रे कलर की स्कफ प्लेट्स मिल जाती हैं। साइड लुक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। हालांकि जो अलॉय व्हील्स हैं वो आपको सेम मिलते हैं जो अभी आपने विटारा ब्रेजा के अंदर देखे पेट्रोल वाली में, वही सेम यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। बट यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो मिलेगा इसके अलॉय व्हील्स पे, इसके फ्रंट ग्रिल पे, बैक साइड में, अंदर स्टेयरिंग पे, यहाँ सब आपको थोड़े से चेंजेस ज़रूर देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं बैक लुक की बात करूँ तो बैक लुक के अंदर आपको सेम वही स्प्लिट LED टेल लैंप्स का सेटअप मिलता है जो हमने विटारा ब्रेजा के अंदर देखा था। बट यहाँ पर जो एक काफ़ी अपीलिंग लुक मुझे लग रही है वो बैक साइड में आप देख सकते हैं, जो इसके बैक लुक है वहाँ पर क्रोम की जो लाइनिंग है उसके ऊपर अर्बन क्रूजर जो नेम लिखा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा एक SUV-ish लुक दे रहा है और काफ़ी अच्छा भी यहाँ पर लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये अर्बन क्रूजर लिखा हुआ कैसा लग रहा है। बाकी टोयोटा का लोगो आपको बैक साइड में भी अवेलेबल मिल जाएगा और कोई भी चेंजेस आपको इसके साइड्स में, बैक साइड में और फ्रंट में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। वहीं अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर के अंदर खास चेंजेस नहीं किए गए। जो इंटीरियर कैबिन लेआउट है वो सेम कैरी फॉरवर्ड किया गया है विटारा ब्रेजा से अर्बन क्रूजर के अंदर। यहाँ पर जो आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे वो उसकी कलर थीम को लेकर मिलेंगे। विटारा ब्रेजा के अंदर आपको ब्लैक कलर के इंटीरियर थीम मिलते हैं, बट इसके अंदर आपको ब्लैक एंड ब्राउन कलर के इंटीरियर थीम मिलेंगी। बाकी स्टेयरिंग व्हील के ऊपर आपको टोयोटा का लोगो अवेलेबल हो जाएगा। बाकी जो और फीचर्स है वो सेम ब्रेजा वाले ही इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं। बट जो कुछ चेंजेस है वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। इसके अंदर आपने जैसे ग्लैंजा एंड बलेनो के अंदर देखा था कि बलेनो के अंदर आपको ज़्यादा ट्रिम्स मिल जाती हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप वहाँ पर भी उसके लो वेरियंट को भी, सिग्मा को भी ऑफर कर सकते हैं, ले सकते हैं। बट जब ग्लैंजा लॉन्च हुई थी वहाँ पर आपको सिर्फ GNV वेरिएंट मिलता, सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स मिलते जो कि टॉप वाले वेरिएंट्स थे, लाइक जीटा एंड अल्फा। तो सेम यहाँ पर भी किया जाएगा अर्बन क्रूजर के साथ, क्योंकि इसके अंदर आपको बेस वेरिएंट जो कि आपने
एलेक्साई वगैरह होता है वो सब वेरिएंट आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगे। मिड रेंज से आपको टॉप वेरिएंट तक इसके अंदर वेरिएंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो जो बेसिक आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड फीचर्स मिल जाएंगे वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। ABS प्लस EBD, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, AC यूनिट, ये पांचों फीचर्स आपको सभी वेरिएंट्स के अंदर मिल जाएंगे अगर आप कोई भी वेरिएंट परचेस करते हैं अर्बन क्रूजर का। वहीं बात कर लेते हैं इसके टॉप वेरिएंट के बारे में। टॉप वेरिएंट के अंदर जो आपको फीचर्स मिलने वाले हैं वो थोड़े से आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो वो आपको यहाँ पर मिल जाता है विद एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो और नेविगेशन का भी सिस्टम आपको इसके अंदर मिल जाता है। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे इसके टॉप वेरिएंट के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर इस बार इसके अंदर एड ऑन किया गया। क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाएगा, 16 इंचेस के आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रोक्रॉनिक आपको IRVM अवेलेबल हो जाएगा, मल्टीफंक्शन स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा जो कि टिल्ट और टेलीस्कोपिक ऑप्शन को भी सपोर्ट करेगा। सो ये सारे फीचर्स आपको इसके टॉप वेरिएंट के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में। इंजन आपको इसके अंदर सिर्फ एक ही मिलेगा जो सेम आपको विटारा ब्रेजा के अंदर मिलता है, जो कि 1.5 लीटर का K15B पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 105 PS एंड 138 Nm का टॉर्क, 5 स्पीड मैनुअल एंड 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको ये इंजन ऑप्शन मिलेगा जो होगा BS6 कंप्लाइंट ऑप्शन। वहीं आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन तो इसके अंदर मिल ही रहा है, बाकी जो ऑटोमेटिक की माइलेज है वो थोड़ा सा मैनुअल से ज़्यादा इसके अंदर कंपनी क्लेम करती है, जो सेम हमने विटारा ब्रेजा के अंदर देखा था। बाकी अगर वारंटी की मैं बात करूँ तो विटारा ब्रेजा के अंदर आपको वारंटी जो मिलती है, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है विटारा ब्रेजा के साथ अगर आप एक SUV परचेस करने के जा रहे हैं और आपका मन है कि मैं अर्बन क्रूजर लूँ या फिर विटारा ब्रेजा लूँ, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि विटारा ब्रेजा के अंदर आपको 2 ईयर या फिर 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, बट अर्बन क्रूजर के साथ आपको 3 ईयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जो कि एक सबसे बड़ा एडवांटेज है अगर कोई भी बाय करना चाहता है। तो मेरा ओपिनियन ये रहने वाला है कि आप अर्बन क्रूजर बाय करो, क्योंकि उसके अंदर आपको वारंटी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है और ये विटारा ब्रेजा से थोड़ी सी 10-20 हज़ार रुपये सस्ती रहने वाली है, जो सेम हमने बलेनो और ग्लैंजा के साथ कंसेप्ट देखा था। अब बात कर लेते हैं इसके कलर ऑप्शंस की। कलर ऑप्शंस जो आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं वो आपको 6 मोनोटोन कलर ऑप्शंस मिलेंगे, सुआवे सिल्वर, आइकॉनिक ग्रे, रस्टिक ब्राउन, सनी वाइट, ग्रोवी ऑरेंज, पंकी ब्लू। एंड डुअल टोन के अंदर आपको जो ऑप्शंस मिल जाएंगे वो मिलेगा रस्टिक ब्राउन प्लस सिजलिंग ब्लैक रूफ, ग्रूवी ऑरेंज प्लस सनी वाइट रूफ एंड स्पंकी ब्लू प्लस सिजलिंग ब्लैक रूफ। तो टोटल आपको ये मोनोटोन और डुअल टोन कलर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। सो गाइज, मैंने आपको सारा कुछ इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया कि अर्बन क्रूजर के साथ आपको क्या एक्सटीरियर मिल रहा है, इंटीरियर मिल रहा है, फीचर्स कौन कौन से मिल रहे हैं, स्टैंडर्ड फीचर्स कौन कौन से, कलर ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ विद वारंटी। सो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली मैं आप लोगों के साथ कार से रिलेटेड न्यूज़ रिव्यूज एंड वॉकग्राउंड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। बाकी आगे और अर्बन क्रूजर की जो डिटेल वीडियो आने वाली है वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। सो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।